जय यीशु के क्रिस्ट में प्यारे भाई और बहनों, चालीसे का पांचवां रविवार के मनन चिंतन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पहला पाठ नबी इज़ेकियल अध्याय 37 पद संख्याएं 12 से 14, दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्याएं 8 से 11 और सुसमाचार योहन के सुसमाचार से लिया गया अध्याय 11 पद संख्याएं 1 से 45। 40 के पांचवें रविवार को आत्मा, जीवन और पुनरुत्थान के विषय में मनन चिंतन करने के लिए माता कलीसिया हमें बुलाती है। प्रभु ईश्वर स्वयं को जीवन का प्रभु साबित करता है, जो मानव व्यक्तियों के जीवन का आधार है। जब तक पृथ्वी पर जीवन है, तब तक जीवन और मृत्यु, शरीर और आत्मा के बीच निरंतर तनाव बना रहेगा। परंतु अंतिम शब्द ईश्वर का ही है और जीवन ईश्वर का उपहार है। जो ईश्वर पर विश्वास करेगा वह लाजरुस और मरियम की बहन मार्ता की तरह अनंत जीवन पाएगा। जो लोग खुले हृदय से यीशु पर विश्वास रखते हैं, वे उन यहूदियों के समान जरूर विश्वास करेंगे जिन्होंने लाजरुस के जीवन में वापस आने के चिन्ह को देखा था। कुछ लोग जैसे मुख्य याजक और फरीसी यीशु को मार डालने के लिए उसके विरुद्ध साजिश रचते हैं। सब कुछ ईश्वर की योजना में है। भाई और बहनों, नबी इज़ेकियल के ग्रंथ से लिए गए आज के पहले पाठ में अध्याय 37 हमें सूख की हड्डियों की घाटी में ले चलता है। पद संख्याएं 1 से 10 सूख की हड्डियों की घाटी का दर्शन कराता है। पद संख्याएं 11 से 14 उस दर्शन की व्याख्या करती है। नबी इज़ेकियल का संदेश हमें यह आशा देता है कि प्रभु ईश्वर इज़राइल को नया जीवन बहाल करेगा, जो बेबीलोन के निर्वासन के कारण मार खाया था। शब्द जैसे आत्मा, हवा, सांस और ईश्वर की आत्मा वचन संख्याएं 1, 5, 6, 8, 9, 10 और 14 में दिखाई देते हैं। यह बहुत स्पष्ट है कि इज़राइल के जीवन में ईश्वर का आत्मा सक्रिय रूप से काम कर रहा है। कब्रों में लाशें होती है और जब कब्रें खोली जाती हैं तो नए जीवन का उदय होता है। ईश्वर यहूदी लोगों को उनकी धरती पर वापस लौटा देगा। यह शब्द उनके निर्वासन से वापस आने का, उनके वापसी का संदेश है। प्रभु उन्हें यह भी याद दिलाता है कि वे उसके अपने लोग हैं। प्रभु न सिर्फ बोलता है परंतु करता भी है। स्तोत्र 130 से लिया गया आज का अंतर भजन प्रायश्चित का संदेश लेकर आता है। इस स्तोत्र में एक ऐसे व्यक्ति का विलाप है जो ईश्वर की सहायता की अपेक्षा करता है। आशा इस भजन का एक मुख्य विषय है। भजनकार ईश्वर से विनती करता है कि वह ध्यान से याचना करने वाले की आवाज सुन सके। वह महसूस करता है कि प्रभु पापी के सभी अधर्म को याद नहीं करता, लेकिन वह दया और करुणा से भरा हुआ है। जो प्रभु की बाट जोता है वह उसके वचन पर भरोसा रखता है। ईश्वर इज़राइल का मुक्तिदाता है, हमारा मुक्तिदाता है। इसलिए भजन का अनुवाक्य हमें कहता है, हे दया सागर प्रभु,
उदारतापूर्वक मुक्ति प्रदान करे। भाई और बहनों, रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ शरीर और आत्मा के विपरीत दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। इजरायली जनता अच्छी आत्मा और दुष्ट आत्मा दोनों में विश्वास करते थे। शरीर प्राकृतिक ठोस रूप से भौतिक मानव अस्तित्व को दर्शाता है, हालांकि शरीर का संबंध मृत्यु से भी है। आत्मा स्वतंत्रता का प्रतीक है, ईश्वर और स्वर्ग के दायरे में है। आत्मा ईश्वर की शक्ति है, यह वह शक्ति है जिसने यीशु के मानव शरीर को मृत्यु से पवित्रता और जीवन तक पहुंचाया था, जो शारीरिक वासना में है। आत्मा शरीर के विरुद्ध काम करता है, जबकि शरीर आत्मा के विरुद्ध जाता है। बपतिस्मा में विश्वासी पवित्र आत्मा प्रदान करते हैं, और इसलिए सभी बपतिस्मा प्राप्त लोगों में ईश्वर की आत्मा निवास करता है और विश्वासियों को धार्मिकता की ओर ले जाता है। जब हम सुसमाचार पर अपना नजर डालते हैं, हम देखते हैं कि संत योहन के सुसमाचार से लिया गया आज का सुसमाचार पाठ सात चिन्हों में से एक का वर्णन करता है। यह अध्याय 11वां सातवां चिन्ह को प्रस्तुत करता है। हर एक चिन्ह का मकसद यह है कि जो व्यक्ति देखता है वह विश्वास करे। जैसे हम योहन अध्याय 2 पद संख्या 11 में पढ़ते हैं, ईसा ने अपना पहला चिन्ह गलीलिया के काना नगर में दिखाया, उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। सातवें चिन्ह में बेतानिया के लाजरुस की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनकी बहनें मार्ता और मरियम का दृढ़ विश्वास था कि यदि यीशु यहां मौजूद होते तो वे निश्चित रूप से लाजरुस को मृत्यु से रोक सकते थे। मार्ता का प्रश्न वास्तव में एक दुखी विश्वासी समुदाय का प्रश्न है, जो हमेशा यह प्रश्न उठाता है, यदि यीशु ने हमें अनंत जीवन दिया है तो विश्वासी अब तक क्यों मर रहे हैं? यदि ईश्वर ने हमारी कब्रें खोली है और हमें नया जीवन दिया है तो हम अब तक क्यों मर रहे हैं? जब यीशु ने लाजरुस को जीवन में वापस लाया, जैसे हम पद संख्या 45 में पढ़ते हैं, जो यहूदी मरियम से मिलने आए थे और जिन्होंने ईसा का यह चमत्कार यह चिन्ह देखा, उनमें से बहुतों ने उनमें विश्वास किया। इस प्रकार चिन्ह का उद्देश्य पहले ही प्राप्त हो जाता है। लेकिन असली परेशानी तब शुरू होती है जब मुख्य याजक और फरीसी यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों से डरकर इस मामले पर चर्चा करने के लिए परिषद की बैठक बुलाते हैं। उन्होंने एक कृत्रिम भय भी पैदा किया कि रोमी आएंगे और यरूशलेम और पूरे देश को नष्ट कर देंगे और फिर यीशु को मौत के घाट उतारने की योजना बनाते हैं, जैसे हम पद संख्याएं 46 से 53 में पढ़ते हैं। लेकिन यह घटना भाई और बहनों मार्ता के विश्वास की घोषणा के लिए जाना जाता है। मार्ता कहती है, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। पद संख्या 37। इसमें प्यारे भाई और बहनों, क्या हम भी मार्ता के साथ मिलकर इस प्रकार एक विश्वास की घोषणा कर पाएंगे? घोषणा करने का विश्वास हम में है या नहीं? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर
आमेन।